फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल 500 यात्राज। आज हम आपको एक बेसिक जानकारी देना चाहते हैं जो एक अभी अभी वैज्ञानिकों ने आठवां महाद्वीप जीलैंडिया, जिसे नाम दिया गया है जीलैंडिया, वो खोजा है, उसके बारे में एक बेसिक जानकारी आपको दी जाएगी। देखो, ये जो जीलैंडिया है, इसके बारे में जब जानकारी शुरू करते हैं तो ये दुनिया का आठवां महाद्वीप है जिसका नक्शा जारी किया गया, और ये नक्शा जारी किया है न्यूजीलैंड के GNS साइंस ऑफ रिसर्चर्स द्वारा जारी किया गया है। ये जो संस्था है वो न्यूजीलैंड की ऑथराइज संस्था है जो रिसर्च करती है साइंस के बारे में, तो उसके द्वारा ये नक्शा जारी किया गया है। और इसके दो नक्शे जारी किए गए हैं, एक बैथीमेट्री मैप और एक टेक्टोनिक मैप। और ये तब जारी किए गए हैं कि जब ये जीलैंडिया महाद्वीप की सभी शर्तों को पूरा करता है। शर्तें क्या पूरी करता है वो बाद में बताई जाएगी आपको कि महाद्वीप के लिए आवश्यक शर्तें क्या होती हैं। तो इसने महाद्वीप होने की सभी शर्तें पूरी कर दी हैं। उसी के बाद इसके बैथीमेट्री मैप और टेक्टोनिक मैप जारी किए गए हैं। देखो, इसका जो एरिया है वो 5 मिलियन वर्ग किलोमीटर है, जो इसका एरिया है वो निर्धारित किया है, वो 5 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। और ये प्रथम शर्त ये भी है कि कम से कम महाद्वीप का जो नक्शा होना, वो एरिया होना चाहिए, वो 1 मिलियन वर्ग किलोमीटर होना चाहिए, तो ये सब भी पूरा करता है। दूसरा, इसकी ये है कहाँ, इसकी अगर स्थिति देखी जाए तो ये ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में स्थित है और न्यूजीलैंड के ठीक नीचे है, तो ये इसकी स्थिति है। और अगर बात करें जीलैंडिया शब्द की, तो सबसे पहले 1995 में ब्रूस ल्यूएंडिक के द्वारा एक शब्द प्रयोग में लाया गया था इसके लिए, जिसका नाम था जीलैंडिया। लेकिन 2000, ये भौतिकविद थे, तो इसके बाद 2017 में वैज्ञानिकों ने इसकी पुष्टि कर दी कि एक महाद्वीप हो सकता है। इससे पहले 2017 से पहले इसे मेडागास्कर द्वीप की तरह एक माइक्रोकॉन्टिनेंट माना गया था, यानी महाद्वीप नहीं था, ये सूक्ष्म महाद्वीप था, माइक्रोकॉन्टिनेंट माना गया था। अब इसका जो है वो इसका ही इसक लिखा गया है, इसक लिखा गया है, तो ये इसका जो 6% है वो स्थल है, यानी स्थल पे है, ऊपर है, समुद्र से ऊपर दिखाई देता है। बाकी नायक का 94% जो है समुद्र के अंदर है, पानी के अंदर है सारा का सारा महाद्वीप। अब बात करें अगर शर्तों की, तो प्रमुख शर्तें जो महाद्वीप के लिए होना होती है वो होती है कि इसकी स्पष्ट परिभाषित सीमा होनी चाहिए, तो इसकी पूरी की पूरी सीमा निर्धारित हो गई है, तभी नक्शे बन पाते हैं दोनों। दूसरा जो महत्वपूर्ण शर्त है वो है कि महाद्वीपीय भूपट्टी महासागरीय भूपट्टी से मोटी होनी चाहिए, यानी इस महाद्वीप की जो भूपट्टी है वो महासागरीय जो भूपट्टी उस जगह महासागर की जो भूपट्टी है उससे अधिक मोटी होनी चाहिए, तो उस शर्त को भी पूरा करता है। और तीसरा जो मैंने पहले बताया था, इसका जो क्षेत्रफल है वो 1 मिलियन वर्ग किलोमीटर से अधिक होना चाहिए, तो वो भी इसे पूरा करता है। अभी हाल ही में इसके 1 महीना पहले लगभग इसके मैप जारी किए गए हैं दो, एक बैथीमेट्री मैप, एक टेक्टोनिक मैप। बात करें बैथीमेट्री मैप और टेक्टोनिक मैप की, तो बैथीमेट्री मैप होता है पानी के अंदर महाद्वीप के जो आकार को बताता है। अभी बताया इसका कि 94% इसका पानी के अंदर है, तो इसके पूरे आकार की वहाँ से जानकारी प्राप्त हो जाती है बैथीमेट्री मैप से। और टेक्टोनिक मैप से उसकी भूपट्टी की आयु, भूपट्टी की स्थिति, प्रकार, उसके भ्रंशों की स्थिति और ज्वालामुखी आदि के बारे में सारी जानकारी प्राप्त हो जाती है। तो फिलहाल अब हम कुछ दिनों बाद ऑथराइज इसकी मान्यता मिलने के बाद हम कह सकते हैं कि हमारे जो विश्व में है वो 8 महाद्वीप है और 8 महाद्वीप का नाम जीलैंडिया है। फिलहाल आज के रोचक तथ्य के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं कभी कल। बाय।